सुबह नाश्ते की टेबल पर मैं काफ़ी सुस्त सी थी। जाने रात क्या सोचती रही थी, शायद अपनी सोचों का असर था और भाभी भी जाने क्या समझी। नाश्ते के बाद भैया के ऑफिस जाते ही मेरे पास आकर कहने लगी, लगता है कल वाले प्रपोजल के बारे में तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती रही हो। मैं अपनी जगह उछल पड़ी क्योंकि फौरी तौर पर मेरे जहन में सनिया का ख्याल आया, उसने भी तो प्रपोज़ किया ही था। और ये कि भाभी को कैसे पता चला? मेरे उछलने पर भाभी मायने खेज मुस्कुराहट के साथ बोली, देखा मैंने कैसे समझ लिया, अब जल्दी से बताओ क्या फैसले में बात। मेरी हालत ऐसी थी कि ऊपर का सांस ऊपर और बाद में सांस नीचे रह गया था, आंखें पूरी खुली हुई थी, तरह हल्के भी नहीं झपक रही थी। हाय मेरे सर पे क्या सीन निकल आए हैं, भाभी ने बाकायदा अपना सर छूकर देखा फिर पूछने लगी, इस तरह क्या देख रही हो? वो पलके झपकते मैं सटपट आ गई, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, मुझे उस लड़के के बारे में बताओ जिसे कल घूर घूर के देख रही थी, कि कैसा लगा तुम्हें? ओह मैंने गहरी सांस खींची, उसके बारे में पूछ रही हैं आप, तुम क्या समझी? मैं भी यही समझी। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है साफ मना कर दें, बौखलाहट में ठीक से बोल भी नहीं सकी। साफ मना कर दें, लेकिन क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लगा। अब खुदारा ये मत पूछिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, उसने कहा तो भाभी भी लापरवाही से कंधे उचकाकर बोली, नहीं पूछूंगी, अब अगर कोई और है तो उसके बारे में खुद ही बता दो। कोई नहीं है, सच कह रही हो? भाभी ने खोजती हुई नज़रों से मुझे देखा तो मैंने असबात में सर हिला दिया। उनके साथ कमरे से निकलकर आई और अम्मी से दोपहर के खाने में क्या पकेगा पूछ रही थी कि सनिया आ गई। गो के उसकी आमद गैर मुतवक्के नहीं थी, अकेली होने की वजह से वो जब भी घबराती मेरे पास चली आती थी और अक्सर दिन में दो बार भी आ जाती थी। बहरहाल इस वक्त उसे देख कर मैं कुछ ठटक सी गई और बिला इरादा पूछ लिया, खैरियत इस वक्त कैसे आना हुआ? और मेरा सवाल उसके लिए गैर मुतवक्के था, जब ही हैरान होकर बोली, मेरे आने का कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं है, आओ मेरे कमरे में चलो। मैं बात बदल गई तो वो अम्मी के पास बैठती हुई बोली, नहीं मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर फौरन अम्मी के गले में बाजू डालकर मिन्नत से बोली, आंटी मैं सुबिया को अपने साथ ले जाऊं, शाम में मेरे घर में एक तकरीब है, इसके बाद मैं खुदे से छोड़ जाऊंगी, तो ये शाम में आ जाएगी ना, अम्मी ने कहा तो उसने हैरत का मुजाहरा किया, मेहमानों की तरह। फिर वही लिजाजत, नहीं आंटी अभी भेज देना, आपको पता है मैं अकेली हूँ, ये मेरा हाथ बटाएगी। तकरीब की नौइयत क्या है, भाभी ने यूं ही पूछ लिया। वो फौरन बोली, मैंने अपनी तमाम दोस्तों को खाने पर बुलाया है। अम्मी और भाभी शायद इसके जवाब से मुतमईन हो गईं, लेकिन मैं उलझ गई। फिर अम्मी की इजाज़त मिलने पर मैं शाम में पहनने के लिए एक सूट शॉपर में डालकर उसके साथ बाहर आई, तब मैं भी अंदर ही अंदर उलझ रही थी, लेकिन खुद से कोई सवाल नहीं किया। हस्ब आदत उसने कैसेट ऑन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट की, फिर मिरर में मुझे देखती हुई बोली, तुम किन सोचों में हो? मैं तुम्हारी दोस्तों को सोच रही हूँ कि किस किस को बुलाया है। मेरे मशकूक अंदाज पर वो हंस पड़ी, सिर्फ तुम्हें, इसका मतलब है कि कोई तकरीब नहीं है, अम्मी से तुमने झूठ कहा? बाखुदा झूठ नहीं है, आज मेरे पापा की बर्थडे है और मैं ज़बरदस्त एहतमाम करना चाहती हूँ। उसके चेहरे लहजे और अंदाज से कहीं भी कल की बात का शायबा नहीं था, बल्कि उससे पहले जैसे वो अक्सर अपने पापा का जिक्र करती थी वही अंदाज था। इसके बावजूद मैं नज़रें चुरा कर शीशे से बाहर देखने लगी, अगर कल शादी वाली बात ना हुई होती तो आज का दिन सचमुच मैं बहुत इंजॉय करती, क्योंकि घर में हम दोनों ही थे, मुलाजमा और खानसामा तो किचन में मसरूफ थे। सनिया ने आते ही डेक पर मेरी पसंद दीदा गानों का कैसेट लगा दिया, फिर मेरा भी ध्यान इधर उधर नहीं हुआ, सारा वक्त घबराहट तारी रही जिसे सनिया से छुपाना भी ज़रूरी था। इसी कोशिश में मुझसे जाने कैसी कैसी हरकतें सरजद हुईं, वो खिलखिलाकर हंसी तो मुझे गुस्सा आ गया, ये तुम्हें क्या हो गया है, लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बिल आखिर उसने मुझे टोक ही दिया और मुझे बर वक्त जवाब सूझ गया, असल में मैं परेशान हूँ,
क्यों? वो एकदम संजीदा होकर मेरी तरफ़ मुतवज्जे हो गई तो मैंने उसे कल वाले प्रपोज़ल के बारे में बताकर कहा, अम्मी को वो लड़का बहुत पसंद आया है और वो चाहती हैं कि मैं फ़ौरन हामी भर लूँ। और तुम क्या चाहती हो? अपने चेहरे पर जमी उसकी नज़रें मुझे बुरी तरह महसूस हो रही थी, कमबख्त जैसे मेरा पोस्टमार्टम करने पर तुली बैठी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। बात का रुख मोड़ना चाहती थी कि वो ज़ोर देकर बोली, बताओ ना तुम क्या चाहती हो। मैं सोचते हुए अंदाज में, अभी मैंने इसी कदर कहा था कि उसके पापा आ गए। हेलो गर्ल्स, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में हमें एक साथ मुखातिब किया तो सनिया हेलो पापा कहती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि मैं उठना भूल गई। क्या हो रहा है? सरसरी अंदाज में कहते हुए वो वहीं बैठने लगे तो सनिया ने टोक दिया, यहाँ नहीं बैठे पापा। उन्होंने कुछ हैरान होकर मुझे देखा, फिर सनिया से कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आपकी इस दोस्त से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, मैं इसकी वजह से यहाँ बैठने से मना नहीं कर रही। सनिया समझकर बोली, फिर बस अब आप अपने कमरे में जाएं, कुछ देर आराम करें, फिर तैयार होकर आएं, हम आपको सरप्राइज़ देंगे। सनिया ने कहा, सरप्राइज़? वो गालिबन अपने तौर पर कयास करने लगे। जाए ना पापा, सनिया ने उन्हें सोचने नहीं दिया। तब वो ज़रा से कंधे उचकाकर अपने कमरे में चले गए तो सनिया मेरा हाथ पकड़कर उठाती हुई बोली, चलो हम भी तैयार हो जाएं। सनिया का इसरार था, मैं उसका झिल मिलाता हुआ सूट पहनूं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जल्दी से मुंह हाथ धोकर जो कपड़े अपने साथ लाई थी वही पहन लिए, बालों में ब्रश करके यूं ही खुला छोड़ दिया और मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक। सनिया चीखती रह गई कि ये करो वो करो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। वाकई कुछ अजीब सा लग रहा था। अगर और बहुत सारे लोग होते तो बात भी थी, फिर वो बात ना हुई होती तो मैं भी सनिया की तरह भरपूर तैयारी के साथ साहब बहादुर को विश करती, और अब मेरा झिझकना एक फितरी अमर था। तैयारी के बाद सनिया मुझे ड्राइंग रूम में ले आई। हमने सारा इंतज़ाम और सजावट वहीं की थी। डाइनिंग टेबल पर दीगर लवाजमात के साथ केक, मोमबत्तियाँ, दीवार पर हैप्पी बर्थडे का बैनर। सनिया एक एक चीज़ का जायज़ा लेने के बाद अपने पापा को बुलाने चली गई तो अचानक याद आने पर मैं जल्दी से फ्रिज से फूल निकाल कर लाई और गुलदस्ते में सजा रही थी कि सनिया उन्हें लेकर आ गई और आते ही हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर दिया। मैंने देखा अतराफ पर तायराना नज़र डालने के बाद उनके होंठों पर मुहिम सी मुस्कुराहट आन ठहरी थी। बेख्याली में मैं उन्हें देखने लगी। अपने आइडियल में जो खूबियाँ तुम बताती हो, क्या मेरे पापा में वो सब नहीं है? सनिया ने गलत नहीं कहा था। और इस वक्त अचानक जैसे मेरे ख्वाबों को ज़िंदगी मिल गई, दिल ने एतराफ़ किया और मैंने बेख्तियार एक फूल निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। सर ये आपके लिए। उन्होंने चौंक कर देखा, थैंक यू। फिर फौरन सनिया की तरफ मुतवज्जे हो गए जो मोमबत्तियाँ रोशन कर रही थी। इस काम से फारिग होकर उन्हें देखकर बोली, चले पापा अब आप जल्दी से केक काटें। उन्होंने छुरी उठाकर बस केक पर रखने का तकल्लुफ़ किया, फिर कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोले, बाकी का काम अब खुद कर लो। सनिया गालिबन उनसे वाकिफ थी, इसीलिए बग़ैर किसी एहतजाज या इसरार के खुद ही फूंक मारकर मोमबत्तियाँ बुझाईं, फिर केक काट कर प्लेट में निकालती हुई मुझसे बोली, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। उनकी नज़रें टेबल पर गालिबन इसी चीज़ की तलाश में भटक रही थी। मैंने कहा तो वो चौंक कर बोले, मैं भी यही सोच रहा था कि किसी चीज़ की कमी है, मैं अभी लाई। मैं कहकर किचन में आ गई। फिर खाने पीने से फारिग होते ही मैंने सनिया को घर छोड़कर आने को कहा तो वो मुझे 2 मिनट रुकने का कहकर कपड़े बदलने चली गई। उसके पापा पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे। मैं टहलती हुई लाउंज से निकल आई। शाम गहरी हो रही थी और क्योंकि मैं अम्मी से कहकर आई थी कि वापसी में देर हो सकती है, इसीलिए मैं मुतमइन थी, बल्कि धीरे धीरे गुनगुना भी रही थी। क्या बात है,
सनिया ने पीछे से आकर मेरे बाजू में चुटकी काटी। उसके होंठों पर शोक को मायने केज मुस्कुराहट थी। बात यह है कि माय डियर सनिया कि अभी मैं तुम्हें बेशुमार गालियां देने वाली हूँ, मैंने कहा तो वो ठटक कर बोली। खैरियत खैरियत ही तो नहीं है, चलो, मैंने उसे आगे धकेल दिया। फिर तमाम रास्ते वो पूछती रही कि क्या हुआ, गालियां किस सिलसिले में, लेकिन मैं टालती रही और जब घर के सामने उतरी तब उसकी तरफ झुककर बोली, तुम उल्लू हो, ये बताओ कि मैं तुम्हारी मम्मी बनकर कैसी लगूंगी। उसने एक पल को मेरी आंखों में देखा, फिर चीख पड़ी, सच सूबिया। और यही सच था जिसे मैं खुद नहीं झुटला सकी थी। अवाइल उम्र में मैंने एक ख्याली पैकर तराश कर उसे अपनी सबसे बड़ी आरजू बना लिया था। सनिया के पापा एहसन आफंदी उसी का पर तो थे। अगर पहली बार सनिया ने उन्हें अपने पापा की हैसियत से मुतारिफ़ ना करवाया होता तो उसी वक्त मेरे दिल की दुनिया तहोबाला हो जाती। मैं यकीन से सोचती हूँ कि मेरे ख्वाबों से निकलकर अचानक वो शख्स मेरे सामने आन खड़ा हुआ है, लेकिन दरमियान में सनिया थी। अम्मी भैया भाभी सबको इसी बात पर एतराज़ था, जवान बेटी का बाप है, लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैंने भाभी से कहा था, लेकिन तुम्हें क्या कमी है, इतने अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, सबको छोड़कर तुम एक। भाभी, जब आप लोगों ने फैसला मुझ पर छोड़ा है तो फिर जरा कैसी, मैंने टोक कर कहा तो भाभी गहरी सांस खींचकर बोली, मैं जरा नहीं कर रही हूँ, समझाना चाहती हूँ तुम्हें। क्या समझाएंगी, यही कि वो मुझसे दुगनी उम्र के हैं, जवान बेटी के बाप हैं, और क्या, और ये कि वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ना वो मोहब्बत जो तुम चाहोगी और ना। भाभी एकदम खामोश हो गई और उनकी खामोशी में जाने क्या था कि मैं टोके बगैर नहीं रह सकी। रुक क्यों गई है, कहिए ना। औलाद, औलाद नहीं दे सकते वो तुम्हें, इसलिए कि उनकी पहले से औलाद मौजूद है और वो भी जवान, समझ रही हो ना। मैं कुछ समझी कुछ नहीं, फिर भी असबात में सर हिला दिया तो कहने लगी, इसके बावजूद तुम शादी करना चाहती हो, आखिर क्यों। मैंने सर झुका लिया तो ज़रा सा हंसकर बोली, लगता है बाप बेटी ने तुम्हें अपने जाल में फांस लिया है और मैं इस जाल से नहीं निकलना चाहती। मैं बेख्तियार कह गई, जिस पर वो आह भरकर बोली, अल्लाह तुम पर रहम करे। पता नहीं कैसे मैंने आपको समझ लिया है कि एहसन अफंदी मुझे सराहेंगे ना मोहब्बत का इजहार करेंगे, बल्कि शायद उन्हें मेरी इतनी सज धज भी अच्छी ना लगे, इसीलिए उनके आने से पहले मैंने ड्रेसिंग रूम में जाकर हुलिया बदल लिया, अच्छा सा सूट पहनकर निकली। फिर मुंह हाथ धोने के ख्याल से वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि हल्की सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलने पर मैं बिला इरादा ही रुक कर उस तरफ देखने लगी। अगले पल आफंदी ने अंदर दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया तो मेरा दिल यकबारगी बहुत ज़ोर से धड़का और फौरी तौर पर समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें देखते ही मैंने अपना सर झुका लिया था, इसलिए ये ही नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। यूं ही सर झुकाए हुए मैंने ज़रा सी पलकें उठाई तो उनके जूते नज़र आए, वो वहीं दरवाजे के पास रुक गए थे। और पता नहीं ये दरमियानी फासला किसे तय करना था, कम से कम मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। कितने लम्हे सिरक गए, तब मैंने बहुत कोशिश से सर ऊंचा करके उन्हें देखा, उनके होंठों पर मुबहिम सी मुस्कुराहट दबी थी और शायद वो मेरे देखने के ही मुंतज़िर थे। फौरन दरमियानी फासला समेट कर धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगे, आप हैरान हैं या परेशान। जी, मैं हैरान नहीं भी थी तो हो गई, भला ये क्या सवाल था, तब वो वजाहत करते हुए बोले, आपका यहाँ खड़े होने का अंदाज़ ये जाहिर कर रहा है कि जैसे सोच रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई। मैंने बेसाख्ता हंसी के बाद कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। अच्छा, लेकिन मैं ज़रूर सोच रहा हूँ। वो इसी तरह मुझे कंधे से थामे हुए बेड पर आकर बैठे तो एकदम संजीदा होकर बोले, क्या कि तुम्हें शादी का मशवरा किसने दिया, आई मीन मेरे साथ।
मेरे दिल ने, मैंने बेख्तियार होकर निचला होंठ दांतों में दबा लिया तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, ये मशवरा दिल का ही हो सकता है। उसके साथ ही वो उठकर सोफे पर जा बैठे और झुककर अपने शूज़ उतारने लगे, जबकि मैं मुंतज़र थी कि वो अपनी दिल की कहेंगे, लेकिन शूज़ उतारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। सुबह बड़ी उजली, बड़ी निखरी निखरी थी। मैंने खिड़की से पर्दे हटा दिए, फिर पलट कर देखा तो आफंदी सो रहे थे। पता नहीं उनकी रूटीन क्या थी, मैं बहरहाल उन्हें उठा नहीं चाहती थी। ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम का रुख किया और जब मैं शावर लेकर निकली तो दरवाज़े पर हल्की हल्की सी दस्तक हो रही थी। मैंने बढ़कर ज़रा सा दरवाज़ा खोला, सामने मुलाजमा चाय की ट्रॉली लिए खड़ी थी। ट्रॉली अंदर खींच कर मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बैड टी की आदत नहीं थी, इसीलिए एक कप में चाय बनाकर मैंने तकिए पर रखे उनके हाथ को ज़रा सा हिलाया तो उन्होंने फौरन आंखें खोल दीं। नज़रों के ऐन सामने मैं थी, बस एक नज़र। फिर वो फौरन उठकर बैठ गए और मेरे हाथ से कप लेकर होंठों से लगा लिया। मान एहसास होने पर पूछने लगे, तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, मैं खाली पेट चाय नहीं पीती। तो जाओ, सनिया उठ गई होगी, उसके साथ नाश्ता करो, उन्होंने ट्रॉली से अखबार उठाते हुए कहा। तो मैं कुछ जुजबुज सी होकर बोली, और आप? उन्होंने कोई जवाब ना दिया, बल्कि यकसर अनसुनी करके घुटनों पर अखबार फैलाकर इसमें मसरूफ़ हो गए। तब मैंने पहली ड्रेसिंग रूम में आकर उलझे बालों को सुलझाकर चोटी की शक्ल दी और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर कमरे से निकल आई। सनिया की आवाज़ ड्राइंग रूम में से आ रही थी, पता नहीं किससे बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने फौरन अंदर जाने के बजाय पहले झांक कर देखा और उसे मुलाजिमा के साथ मगजमारी करते देखकर हंसती हुई अंदर आकर बोली, ये सुबह सुबह कैसा हंगामा है? मेरी आवाज़ पर सनिया उछल कर मेरी तरफ पलटी, हाय तुम, सॉरी, आप यहाँ क्यों आ गई? ओह, तो आप जनाब पर आप आ गई हैं, मैंने गर्दन अकड़ाई, फिर कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मेरा मतलब ये नहीं है, फिर मैं आपके लिए वही नाश्ता भिजवा रही थी। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नाश्ता करूँगी, मैंने कहा। साथ ही मुलाजमा को नाश्ता लाने का इशारा किया तो सनिया मेरे पास आकर बोली, चल उठो, तुम्हारे पापा के साथ नाश्ता करना है। मेरा ख्याल है पहले तुम और तुम्हारे पापा तय कर लो कि मुझे किस वक्त किसके साथ क्या करना है। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध कर कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए यूं कहा कि जैसे इन दोनों के तय करने के बाद ही मुझे नाश्ता मिलेगा। क्या मतलब? जाहिर है वो समझी नहीं, मतलब भी अपने पापा से ही पूछो। नहीं, तुम बताओ ना। वो कुछ परेशान सी होकर फौरन कुर्सी खींचकर बैठ गई तो मुझे हंसी आ गई। क्या बताऊँ, पापा ने कुछ कहा है क्या? उसने जाने किस ख्याल के तहत सहम कर पूछा और मैंने उसी कदर इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता कर लूँ, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि तुम्हें तो बाप की शादी करवाते हुए शर्म नहीं आई, लेकिन उन्हें तुम्हारे सामने मेरे साथ बैठते हुए यकीनन शर्म आएगी। आखिर में हल्के फुल्के अंदाज में जो मैं खुद समझी थी उसे भी समझा दिया तो वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। मैंने घूर कर देखा तो टेबल की तरफ इशारा करते हुए फौरन बोली, चलो नाश्ता करो। सनिया को अब कोई फिक्र नहीं रही थी कि उसकी शादी के बाद उसके पापा अकेले हो जाएंगे, इसलिए अब वो शिद्दत से खुर्रम की मुंतज़िर थी और उसे कनाडा जाने का शौक़ भी था। इन दिनों उसके पास बस यही एक मौजू था। मैं कोई भी बात करती, जवाब में वो अपना कनाडा जाना ले बैठती। इस शाम उसके ताया और ताई आए तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद खुर्रम के आने का मजदा सुनाकर उसी वक्त आफंदी से शादी की तारीख तय करने को कहा तो आफंदी जाने क्या सोचे हुए थे, कहने लगे, जल्दी क्या है, खुर्रम को आने दें, फिर तारीख तय कर लेंगे, खुर्रम छुट्टी पर आ रहा है। सनिया के ताया ज़ोर देकर बोले, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम तैयार
तैयारी कर रखें, उसके आते ही शादी करेंगे तो कुछ वक्त दुल्हन हमारे पास रह सकेगी, वरना तो वो उसे लेकर चला जाएगा। तैयारी में क्या वक्त लगता है, खुर्रम आ जाए फिर देखेंगे। आफंदी अपनी बात पर कायम रहे और मैं इस वक्त उनकी बातों में दखल नहीं दे सकी। अलबत्ता रात में मौका मिलते ही मैंने उनसे पूछ लिया, आफंदी जब सनिया की शादी खुर्रम के साथ तय हुई थी तो फिर आपने तारीख क्यों नहीं दी? सनिया की शादी खुर्रम के साथ होनी तय है, उन्होंने मेरी बात दोहरा कर मुझे देखा फिर पूछने लगे, ये तुमसे किसने कहा? क्यों, क्या सनिया की कोई मंगनी नहीं हुई? मुझे सनिया का नाम लेना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने बात को ज़रा घुमा दिया तो वो पुरसोच अंदाज में बोले, ये 2 साल पहले की बात है, तो आपके ख्याल में इतनी मुद्दत गुजरने के बाद मंगनी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है? मेरे कुछ जज्बाती होकर कहने पर उन्होंने चौंक कर देखा, फिर महज़ूस से अंदाज में सर हिलाते हुए बोले, नहीं अपने आप तो कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता। फिर मेरा मतलब है आप क्या चाहते हैं? सनिया की मोहब्बत से वाकफियत की बिना पर मुझे ये खदशा लाहक हुआ कि कहीं वो इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ अपना इत्मीनान चाहता हूँ, पहले खुद कलामी का अंदाज़ फिर वजाहत करते हुए कहने लगे, खुर्रम गुज़िश्ता 2 सालों से कनाडा में है, गो के वो जल्द किसी दूसरे माहौल का असर कबूल करने वाला नहीं है, फिर भी जब तक मैं उसे देख कर उससे मिल ना लूँ सनिया की शादी नहीं कर सकता। ये बात है, मैं जैसे अंदेशों से निकल कर बोली, इसके अलावा और कोई बात नहीं। वो मुस्कुराए और फिर पूछने लगे, तुम क्यों परेशान हो गई थी? नहीं तो मैं साफ मुकर गई, अब उन्हें सनिया की बेकरारियां तो नहीं सुना सकती थी ना। फिर 1 हफ्ते की बात थी जो कि बड़ी जल्दी गुजर गया। जिस रोज़ खुर्रम आया उसी रोज वो सब घरवाले हमारे यहाँ खाने पर मधु थे, क्योंकि वो काफ़ी एहतमाम करना था, इसीलिए मैं आफंदी के साथ खुर्रम को रिसीव करने नहीं जा सकी। यूं भी पहले उससे मिल चुकी थी, इसलिए वो जो एक इश्तियाक होता है कैसा होगा वो भी नहीं था। अलबत्ता रात में जब वो सब घरवालों के साथ आया तो मुझे देखकर किसी तरह अपनी हैरत छुपा नहीं सका। आप बेगम एहसन आफंदी, मैंने अपना तारुफ करवा के उसे मज़ीद हैरत में डाला तो साथ ही मज़ीद कुछ कहने से रोक भी दिया। फिर सारी रात मैं आफंदी को देखती रही कि आया खुर्रम से मिलकर वो मुतमईन हुए कि नहीं, और ऐसा जाहिर है मैं सनिया की मोहब्बत में ही कर रही थी। मुझे पता था कि वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं, और ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ मैं आफंदी को समझने लगी थी। मैंने जान लिया था कि खुर्रम उनके मैार पर पूरा नहीं उतरा तो वो सनिया की शादी हरगिज़ उसके साथ नहीं करेंगे। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया। उसके बाद जब चाय का दौर चला तो इसी दौरान खुर्रम के वालिदैन ने शादी की बात छेड़ दी, और जब मैंने सुना आफंदी 1 हफ्ते बाद की तारीख रखने पर आमादा हो गए हैं तब मैं बहुत खुश होकर फौरन सनिया के कमरे में आई, लेकिन इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही समझ गई कि वो खुद ही सारी बात सुन चुकी है। तो तुम चोरी चोरी सुन रही थीं? मुझे उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी। चोरी चोरी सुनने का मज़ा आता है, हालांकि मुझे पता था कि तुम पहली फुर्सत में मेरे पास भागी आओगी। वो हंसती हुई बोली, शर्म करो। मैंने उसे घूरना चाहा लेकिन मुझे भी हंसी आ गई, और फिर अगले दिन से हमारे बाज़ारों के चक्कर शुरू हो गए। गो के खुर्रम और उसके वालिदैन ने भी जहेज खुसूसन अब बड़े आइटम्स देना से मना कर दिया था, क्योंकि उन दोनों को यहाँ रहना ही नहीं था। फिर भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान वगैरह, इन सब चीज़ों की ख़रीदारी के लिए भी वक्त बहुत कम था। पता नहीं आफंदी ने कैसे कह दिया कि तैयारी में क्या वक्त लगता है। अब खुद भी बौखलाए हुए थे और उन्हें मेरी ना तजुर्बेकारी का भी एहसास था, इसीलिए मेरी किसी कोताही या गलती पर टोकने और मूड ख़राब करने के बजाय उन्होंने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि रुखसती का वक्त मुझसे खासी हिमाकतें सरदर्द हुई। इस वक्त बस एक बार उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं सचमुच डर गई, और मेरा ख्याल था कि बाद में वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन वो शायद भूल गए। सनिया के जाने से घर एकदम सूना हो गया। आफंदी को तो शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, अलबत्ता
रोज़ के मामूल के मुताबिक वो ऑफिस चले गए, लेकिन मैं अकेली हो गई। गुज़िश्ता हफ्ता जितनी मसरूफियात में गुज़रा अब उतनी ही फरागत थी। एक घंटे ही में मैं सख्त बोर होकर अम्मी के यहाँ चली आई। बेटी की शादी से फारिग हो गई, भाभी मुझे देखते ही हंसी। मैं उनके मजाक का बिल्कुल भी नहीं बुरा मानती थी और इन्हीं के अंदाज में बोली, देख लें भाभी, अपनी अपनी किस्मत है, आपको बेटी को बड़ा होने में अभी बहुत वक्त लगेगा और मैं फारिग भी हो गई। ये तो है, भाभी ने भी फौरन तायद की और कहने लगी, लेकिन अब फारिग रहकर क्या करोगी? ऐसा करो कि एक दो बच्चे पैदा कर लो। औरत की ज़िंदगी में अगर बच्चों की मसरूफियत ना हो तो सोचूंगी। मैंने भाभी की बात को पूरे होने से पहले ही लापरवाही से कंधे उचकाए। यूं भी अभी मेरी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे। सनिया खुर्रम के साथ ही कनाडा जाएगी या वो बाद में बुलाएगा? भाभी ने खुद ही मौजू बदल दिया। अरे नहीं भाभी, खुर्रम सारे इंतज़ाम करके आया है, सनिया को अपने साथ ही लेकर जाएगा। मैंने बताया तो भाभी मेरा हाथ दबाकर बोली, तुम्हारे हक़ में भी यही अच्छा है। क्या अच्छा है भाभी, मैं तो आज पहले दिन ही इतनी बोर हो गई हूँ, पता नहीं अब मेरे दिन कैसे गुजरेंगे। पागल हो तुम तो बिल्कुल। मैं शायद उनकी बात समझी ही नहीं थी, जिस पर वो झंझला गईं। तुम्हें सनिया के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी और उसकी मौजूदगी में तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत भी नहीं हो सकती थी। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, मैं भी झंझला गई। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें इतना अंदाज़ा नहीं कि उसकी मौजूदगी में आफंदी कितने रिजर्व रहते होंगे। हर दम ये ख्याल कि घर में जवान बेटी मौजूद है, अब कम से कम ये तो नहीं होगा तुम आज़ादी से उनके साथ आ जा सकोगी, उठने बैठने में भी वो तकल्लुफ़ नहीं होगा, भाभी ने मुझे समझाते हुए कहा। तो मेरी नज़रों में वो सारे मंजर आन समाए जब सनिया की मौजूदगी में आफंदी खसदन मुझसे नज़रअंदाज होते थे, और अभी तक तो मैंने महसूस भी नहीं किया था। एक तरह से ये भी अच्छा ही हुआ कि किसी बदमजगी से पहले ही सनिया अपने घर की हो गई थी। मैंने भाभी को देखकर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो वो भी हंसकर बोली, आप समझी? आपके समझाने से। लेकिन भाभी, मेरा ख्याल है आफंदी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और मैंने भी उनके इसीलिए अंदाज को पसंद किया था। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ सोचने की हद तक अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि अभी तक तुम ख्वाबों की दुनिया से नहीं निकली हो। मेरी ख्वाबों को ज़िंदगी मिल गई है भाभी, और क्या चाहिए मुझे? मैंने ईमानदारी से एतराफ़ किया। हकीकतन मुझे अंदर अब कोई खलिश नहीं थी, भाभी बस मुझे देख कर रह गई। फिर दोपहर के खाने के बाद मैंने कुछ वक्त अम्मी के साथ गुजारा और उसके बाद घर चली आई, क्योंकि एक तो मैं आफंदी से कहकर नहीं गई थी, दूसरे ये भी ख्याल था कि हो सकता है कि शाम में सनिया और खुर्रम भी आ जाएं, और वाकई वो दोनों आ गए। उस वक्त तक आफंदी ऑफिस से नहीं लौटे थे। मैंने इस बड़े खूबसूरत अंदाज में इस जोड़े का पुरजोश इस्तकबाल किया तो सनिया फौरन टोकती हुई बोली, बस रहने दो, ये मुँह देखी की मोहब्बत, एक फ़ोन करने की तौफीक नहीं हुई? तुम्हें पता है मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही। सॉरी, मैं अम्मी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि तुम्हारे बिना घर इतना सूना सूना लग रहा था कि मैं परेशान हो गई। मैंने मुआज़रत करते हुए बताया तो वो कहने लगी, मुझे भी यही ख्याल था कि तुम अकेली हो गई होगी। फिर इधर उधर देखकर पूछने लगी, पापा कहाँ हैं? अभी ऑफिस से नहीं लौटे। तुम बैठो ना, मैं चाय का कहकर आती हूँ। जल्दी क्या है, पापा को आने दो। सनिया ने मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। तब मैंने खुर्रम को देखकर पूछा, और खुर्रम कैसे हो? अगर मैं ये कहूँ कि दुआ है आपकी, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? खुर्रम ने खदरे शरारतन कहा, लेकिन मैं समझी नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमारे यहाँ ये जवाब बुज़ुर्गों को दिया जाता है। अच्छा, मैं हंस पड़ी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ? इस हिसाब तो मुझे आपको अम्मा या आंटी कहना पड़ेगा। वो गालिबन मुझे चिढ़ाना चाह रहा था। जो जी में आए कहो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, मैंने कहा तो सनिया फौरन बोल पड़ी, लेकिन मुझे बुरा लगेगा अम्मा आंटी सास उफ
हद करते हो। सनिया झिंझला कर अपना सर पीटने जा रही थी कि आफंदी की आमद पर उसका ध्यान हट गया और मैं चाय के बहाने वहाँ से खिसक आई। खानसामा को रात के खाने के लिए हिदायत देकर चाय मैंने खुद बनाई और दीगर लवाजमात के साथ लाउंज में आई तो आफंदी मौजूद नहीं थे, शायद चेंज करने अपने कमरे में चले गए थे। और इस मौके से फ़ायदा उठाकर खुर्रम नीचे खालीन पर घुटने टेके सनिया के हाथ में हाथ लिए सरगोशी पता नहीं क्या कह रहा था कि वो सुर्ख हुई जा रही थी। मैं बस एक पल को ठटकी, फिर कट की आवाज़ निकाली तो दोनों इसी तरह बौखलाए कि मैं बेसाख्ता ज़ोर से हंस पड़ी। बहुत गलत वक्त पर आई हैं आप, खुर्रम छींप कर बोला तो सनिया ने अपनी झेप पिटाने की कोशिश की। नहीं, सही वक्त पर आई हो, सही या गलत का फैसला बाद में, पहले चाय, मैंने ट्रॉली आगे धकेलते हुए कहा। तभी आफंदी गालिबन मेरी बात सुनते हुए जब ही पूछने लगे, कैसा फैसला? कुछ नहीं पापा, सनिया ने फौरन कहा और मुझे घूरा, लेकिन मेरी हंसी नहीं रुकी। आंखों में शरारत मचल रही थी और आफंदी हसबे आदत अचटती सी नज़र मुझ पर डालकर खुर्रम की तरफ मुतवज्जे हो गए कि उनकी सारी नज़रों में तंबी थी ना सर्जिश। फिर भी जाने क्यों मेरी हंसी थम गई। बहुत खामोशी से मैंने तमाम लवाजमात ट्रॉली में से उठाकर टेबल पर रख दिए और सनिया को खाने का इशारा करके खुद चाय बनाने में लग गई। और हर शाम इन दोनों की आमद मुझे डिस्टर्ब करने लगी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मैं उनकी हरकत और सकनात को महसूस करने लगी। इब्तदाई चंद दिनों के बाद अब वो मेरे सामने झिझकते भी नहीं थे। जाहिर है रिश्ते में मैं उनकी कुछ भी नहीं थी, उम्र के बराबर थी, इसीलिए आफंदी की गैर मौजूदगी में वो मेरा लिहाज भी नहीं करते थे। और मैं जो ये सोचती थी कि सनिया के बगैर मेरे दिन कैसे कटेंगे, तो अब इसके कनाडा जाने के दिन शुमार करने लगी, क्योंकि इन दोनों की मुश्तरका हंसी ने मेरे होठों की मुस्कुराहटें छीन ली थी। मैं हैरान होकर देखती सनिया का दिन ब दिन निखरता रूप, खुर्रम की वालहाना नज़रों के मरहूने मिन्नत था। एक पल को वो इधर उधर होती तो वो बेखरार होकर इसके पीछे लपकता और मुझे अपने अंदर तशनगी का एहसास होने लगता। शायद मेरे ख्वाबों का तुलसम धीरे धीरे टूट रहा था। मैं सचमुच खौफजदा हो गई। इस रोज़ वो दोनों सुबह ही आ गए। सनिया ने आते ही मेरे गले में बाहें डाल दी और खुश होकर बताने लगी कि उनकी सीटें कंफर्म हो गई हैं, ठीक एक हफ्ते बाद उनकी रवानगी है। तुम्हें पता है सूबी, मुझे दुनिया घूमने का कितना शौक़ है और खुर्रम ने मुझसे वादा किया है कि अगले साल छुट्टी पर यहाँ आने के बजाय वो मुझे लंदन ले जाएगा, है ना खुर्रम? सनिया ने मुझे बताते हुए पीछे मुड़कर खुर्रम को मुखातिब किया तो वो उसकी पेशानी पर आई बालों की लट छूकर बोला, ऑफ़ कोर्स। अच्छा तुम लोग बैठो तो, नाश्ता करके आए हो या? कर चुके हैं, अलबत्ता चाय पियेंगे, खुर्रम ने खुद को सोफ़े पर गिराते हुए कहा। तो मैं किचन में आकर खुद ही चाय बनाने लगी, क्योंकि खानसामा सामान लेने गया हुआ था और मुलाजमा झाड़ पोंछ में लगी हुई थी। कुछ देर बाद सनिया भी मेरे पास आ खड़ी हुई और ट्रे में कप रखते हुए बोली, रात में कितनी देर तक तुम्हारे बारे में सोचती रही, अभी तो मैं यहाँ हूँ, जो रोज़ ना तुम्हारे पास आ जाती हूँ, चली जाऊँगी तो तुम बहुत अकेली हो जाओगी। हाँ, मैंने टी पॉट में खौलता हुआ पानी डालते हुए बेध्यानी में मुख्तसर जवाब दिया। सुबह उठते ही मैंने खुर्रम से कहा कि आज हम सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारेंगे। हाँ अच्छा किया जो चली आई, जाने क्यों मुझे बोलने में दिक्कत हुई। और इस बार वो चौंक कर पूछने लगी, क्या बात है, तुम कुछ सुस्ती हो रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, चलो ये चाय ले जाओ। मैं जल्दी से ट्रे उठाकर उसे थमा दी, तुम भी आओ ना। आ रही हूँ, ज़रा खानसामा को देख लूँ, तुम चलो। मैं उसे भेजकर किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई और पैसेज में यूं ही बेमकसद इधर उधर टहलने लगी। वो तुम्हारी मम्मी कहाँ रह गई, चाय नहीं पियेंगी? अंदर से खुर्रम की आवाज़ आई, वो सनिया से पूछ रहा था, लहजे में शरारत थी। इससे पहले कि सनिया कोई जवाब देती, मैं जल्दी से अंदर आ गई और अपना कप उठाकर बैठती हुई बोली, तुम दोनों दोपहर के खाने में कोई ख़ास चीज़ खाना चाहो तो बताओ। नहीं, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि खाना हम बाहर खाएंगे और आप भी हमारे साथ चलें, खुर्रम ने कहा। तो सनिया तायीद करती हुई बोली,
बहुत नेक ख्याल है, चलो सुबह आज हम खूब घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग भी करेंगे। मैं तुम्हारे साथ? क्यों, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती? सनिया फौरन टोक कर बोली, चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इस वक्त कहाँ जाएंगे, शॉपिंग सेंटर्स भी 11 बजे से पहले नहीं खुलते, दोपहर का खाना खाकर इत्मीनान से चलेंगे। मेरी बात उसकी समझ में आ गई, हाँ ये तो ठीक है, बस अभी आराम से बैठो, मैं देखूँ कि खानसामा पकाने के लिए क्या लाया है। मैं ट्रे उठाकर किचन में आ गई, खानसामा सौदा ले आया। सनिया को चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी, मैंने खानसामा से वही बनाने को कहा, साथ में कस्टर्ड। फिर अंदर आई तो सनिया VCR पर कोई मूवी लगा रही थी। आजकल की मूवीज़ भी ऐसी होती हैं कि कम से कम मैं इन दोनों के साथ बैठकर नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं वहीं से पलटकर अपने बेडरूम में आ गई। पहले अपने कपड़े प्रेस किए, फिर आफंदी को ऑफिस फ़ोन करके दोपहर का खाना घर आकर खाने को कहा, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। जब तक सनिया और खुर्रम मूवी देखते रहे, मैंने खुद को यूं ही इधर उधर मसरूफ रखा। फिर खाने के बाद मैंने बहुत चाहा कि कुछ देर आराम करने का बहाना करके सो जाऊं, लेकिन सनिया मेरे सर पर सवार रही जब तक कि मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो गई। फिर पहले हमने शॉपिंग की, उसके बाद CBO की तरफ निकल गए। सनिया का कहना था कि वो साहिल पर मेरे साथ पुरानी यादें ताज़ा करेगी, लेकिन वहाँ जाकर वो मुझे भूल ही गई, यूँ जैसे मैं एक पुरानी याद हो गई हूँ। मैं चुपचाप देखती रही, वो खुर्रम का बाजू थामे पानी में दूर जा रही थी। फिर दोनों की शोखियाँ, एक दूसरे पर पानी उछालना भागना, और मैं जो इससे ज़्यादा दीवानी थी, मेरे साथ कोई नहीं था। अजीब सी बेकली ने दिल का दामन थाम लिया था, तो मैं इन दोनों पर से नज़रें हटाकर खसदन आफंदी को सोचने लगी। मेरे ख्वाबों से निकलकर सचमुच मेरी ज़िंदगी में आने वाला शख्स, जाने क्या कमी थी इसमें जो मुझे शिद्दत से महसूस हुई थी। मैं लाख कहूँ कि मेरे ख्वाबों को ज़िंदगी मिल गई, और क्या चाहिए मुझे, मेरा अंदर मुतमईन नहीं होता था। मैं जानती हूँ कि कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होता, पाने के बाद भी नहीं, लेकिन मैंने क्या पाया? हाँ, सवाल यह है कि मैंने क्या पाया। मेरे अंदर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया, वही जो मैंने चाहा। मेरी खिलखिलाती हंसी के जवाब में मुभिम सी मुस्कुराहट। ऐसा है तो, मेरी शोखियों पर अचटती नज़र डालकर अपने आप सर हिलाया। वो कभी इजहार न करे, तब भी उसके वजूद से सिर्फ मोहब्बत का एहसास हो, और मेरे अंदर दूर तक सन्नाटा फैल गया, जैसे चीरती हुई भाभी की आवाज़, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ना मोहब्बत ना औलाद। ये सारी बातें सिर्फ सोचने की हद तक अच्छी लगती हैं। लगता है कि तुम अभी तक ख्वाबों की दुनिया से नहीं निकली हो, और पता नहीं मैं ख्वाबों की दुनिया से निकली थी कि नहीं। इसी वक्त सनिया ने ज़रूर पुकार कर मुझे किसी भंवर से निकाल लिया था। कहाँ खोई हुई हो, कितनी देर से बुला रही हूँ। उसने गालिबन पहले दूर से बुलाया था, अब करीब खड़ी झिंझला कर कह रही थी। मैंने गहरी सांस होठों में दबाकर उसे देखा, तो फिर पूछने लगी, पानी में नहीं चलोगी? नहीं, अब वापस चलो, तुम्हारे पापा आ गए होंगे, खुर्रम को बुलाओ। मैं कहती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो दोनों आए, तो खुर्रम मुझे देखते ही कहने लगा, आप शायद बोर हो गई हैं। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गई, और सनिया ने हसब आदत बैठते ही कैसेट ऑन कर दिया। लेकिन जब खुर्रम ड्राइविंग सीट पर आया, तो बंद करते हुए बोला, गाना ही सुनना है तो मुझसे सुनो। इसके साथ ही शुरू हो गया, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरे भी हुई मस्तानी सी। मैं इन दोनों से नज़रें चुरा कर बाहर देहर दिखने लगी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। एक जगह रुककर खुर्रम आइसक्रीम ले आया, और एक सिग्नल पर उसने ढेरों गजरे ख़रीद लिए। कुछ सनिया ने मेरी झोली में डाले, बाकी अपनी कलाइयों में सजाने लगी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, घर आई तो एक हाथ में आइसक्रीम कप जूं का तूं, दूसरे हाथ में गजरे थे। आफंदी एक
एक नज़र मुझ पर डालकर मेरे पीछे आते खुर्रम की तरफ मुतवज्जो हो गए, जिसने उन्हें सलाम करने के साथ सारे शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखे, फिर आगे बढ़कर आफंदी से हाथ मिलाता हुआ कहने लगा, हम फिर आएंगे अंकल, अभी सनिया को एक जगह और लेकर जाना है। सनिया कहाँ है? आफंदी ने पूछते हुए ग्लास विंडो से बाहर देखा। बाहर गाड़ी में। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो उजलत में खुदा हाफिज़ कहता हुआ चला गया। मैंने जिस तरह बिला इरादा उसके पीछे नज़रें दौड़ाईं, इसी तरह आफंदी की तरफ पलटी तो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपने दोनों हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिए। गजरे और आइसक्रीम देखकर उनकी पेशानी पर हल्की सी लकीर नमोदार हुई। कुछ नागवारी से बोले, नो थैंक्स। और मैं जैसे होश में आई, फौरन हाथ पीछे हटाती हुई खसदन हंस पड़ी। फिर उनके सामने बैठकर पहले गजरे कलाइयों में सजाए, उसके बाद आइसक्रीम खाते हुए महज उन्हें मुतवज्जो करने की खातिर पूछा, आफंदी, आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और कोई जवाब दिए बगैर उठकर अपने कमरे में चले गए। तो मैं आइसक्रीम का कप वापस टेबल पर रखकर अपनी कलाइयों को देखने लगी। धीमी धीमी मसहूर कुन महक मेरे चारों तरफ फैल रही थी। गहरी सांस के साथ मैंने सर सोफे की बैक पर टिका लिया। कैसी खामोशी थी, गहरा सकून। अचानक मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगूं, फिर खुद से कहूं कि ये क्या हिमाकत है। हिमाकत ही तो है, अपनी ही सोच पर मैंने खुद को सर्जिश किया। तभी मुलाजिमा चाय लेकर आ गई, सिर्फ एक कप और आफंदी को मौजूद ना पाकर बोली, बीबी साहब ने चाय मंगवाई थी, लाओ ये मुझे दे दो और साहब के लिए और ले आओ। मैं सीधी बैठती हुई बोली और उसके हाथ से कप लिया तो वो गजरों को इश्तियाक से देखती हुई बोली, बीबी आपके हाथ में गजरे बहुत सज रहे हैं, साहब देखेंगे तो। फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ साहब के लिए चाय लाओ। मैंने फौरन टोक कर उसे जाने को कहा। उसके जाते ही फिर अपनी कलाइयों को देखने लगी। शायद आफंदी ने गौर ही नहीं किया हो। मैंने खुद को बहलाया और धीरे धीरे चाय पीने लगी। कुछ देर के बाद मुलाजिमा आफंदी के लिए चाय लेकर आई तो मैं उठ खड़ी हुई और उसके हाथ से कप लेकर बेडरूम में आ गई। आफंदी टेबल पर कोई फाइल खोले बैठे थे। मेरी नज़रें उनके झुके हुए सर से होती हुई उनके हाथों पर जा ठहरी। बाएं हाथ की उंगलियों में सिलकता हुआ सिगरेट दबा था और दाएं हाथ की उंगलियों में पेन। यह हकीकत है कि इस शख्स का हर अंदाज़ जुदागाना और अट्रैक्टिव था। वो मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो तब भी मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो रखता था। मैंने सुबक रवि से करीब जाकर चाय का कप टेबल पर रखा तो उन्होंने फौरन सर ऊंचा नहीं किया और मैंने महसूस किया कि उनकी नज़रें फाइल से हटकर मेरे हाथों पर ठहर गई हैं। मेरा दिल यकबारगी मचलने लगा, जैसे खुर्रम ने गजरों की महक अपने अंदर उतारने के बहाने सनिया का हाथ थाम कर अपने होंठों से लगाया था। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। उनके टोकने पर जहां मैं चौंकी वहां मचलता हुआ दिल बुझ कर रह गया। किस कदर कठोरपन का मुजाहरा कर रहे हैं, कम से कम मेरा दिल रखने की खातिर ही मेरी ना सही गजरों की तारीफ़ कर दें। मैं दुख से सोचती हुई अपनी जगह पर आकर लेट गई और एक एक कली को नोच कर फेंकने लगी। उन्होंने देखा ज़रूर लेकिन टोका नहीं। अलबत्ता जब मैंने आँखों पर बाजू रखा तब फौरन पुकार कर पूछने लगे, सूबिया सो रही हो क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उठते हुए बोले, चलो पहले खाना खा लो फिर सोना। मैंने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया और रूठे लहजे में बोली, मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। तो जाओ रईस खान सामा से कहो कि खाना लगा दें। उनका मकसद गालिबन मुझे उठाना था, आप खुद कह दें। इस तमाम अरसे में मैंने पहली बार उनकी बात मानने से इनकार किया और फौरन करवट बदल गई। मुझे अपने पूरे वजूद पर नन्ही नन्ही चूटियां रिगती हुई महसूस होने लगीं। ये यकीनन उनकी नज़रें थीं। फिर वो कमरे से निकल गए। उसके बाद दोबारा पता नहीं कब आए, क्योंकि मैं बहुत देर तक जागती रही थी और वो मेरे सोने के बाद ही आए थे।
सुबह जब मेरी आँख खुली तो उन्हें कारपेट पर बिखरी मोती की कलियाँ चुनते देखकर मुझे हैरत के साथ शर्मिंदगी भी हुई। फौरन उठती हुई बोली, आप रहने दें आफंदी, मैं समेट लूँगी। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, सारी कलियाँ समेट कर खड़े हुए और मेरी तरफ देखे बगैर बोले, ये तुम्हारी कलाइयों में अच्छे लग रहे थे। थैंक यू, मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई।